एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले आपके बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, उसका नाम है परसेंटाइल वर्सेस रैंक। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है कि हमारा रैंक कितना आएगा, किस रेंज में आ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। ठीक है, लास्ट कुछ ईयर का डेटा मैंने निकाला है, उसके अकॉर्डिंग मैं चीजें बताऊंगा आपको। ठीक है, और एक चीज यार, बहुत सारे बच्चे लास्ट दो तीन वीडियोज में कमेंट कर रहे थे कि सर आपके वीडियोज ही नहीं आ रहे। ठीक है, मतलब एमएसटी सीटी की बैच अभी खत्म हो गई है क्या, अभी आप फिर से एमएसटी सीटी की बैच के लिए वीडियो नहीं डालोगे क्या 2023 के लिए? तो ऐसी कोई चीज नहीं यार, आपके लिए जो वीडियोस है वो आते रहेंगे। जब तक कि आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता तब तक आपके लिए वीडियोस आते रहेंगे। तब तक मैं नेक्स्ट बैच के लिए एक वीडियो भी शूट नहीं करने वाला हूं, इस बात के लिए मैं प्रॉमिस करता हूं। ठीक है, एटलीस्ट नवंबर एंडिंग तक या दिसंबर स्टार्टिंग तक वीडियोस आते रहेंगे सिर्फ आपके लिए। ओके, तब तक नई बैच के लिए एक भी वीडियो नहीं बनेगा, ना कि किसी और चीज का वीडियो बनेगा। सिर्फ एमएसटी सीईटी के आपकी प्रोसेस के ऊपर ही वीडियोस आएंगे, कॉलेजेस कवर करेंगे। ठीक है, हर एक चीज कॉलेजेस पहले से ही कवर करता रहो, वो सीरीज कंटिन्यू हो जाएगी अभी। ठीक है, तीन चार दिन से वीडियो इसलिए नहीं आया था क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कॉलेज लिस्ट बनवाने के लिए अप्लाई किया है, बहुत सारे बच्चों को कॉलेज लिस्ट डिलीवर भी हो चुकी है, बहुत सारे बच्चों को नहीं डिलीवर हुई है, कुछ कुछ फार्मेसी के मोस्टली बच्चों को डिलीवर नहीं हुई है, इंजीनियरिंग के लगभग जिन्होंने 25 तक रजिस्टर किया था उनको लिस्ट डिलीवर हो चुकी है, कुछ कुछ बच गए होंगे उनको भी हो जाएंगे, लेकिन इंजीनियरिंग के ऑलमोस्ट हमने जो 23-24 तक जिन्होंने फॉर्म भरा है सितंबर तक, 23 या 24 सितंबर तक उनको लिस्ट डिलीवर हो चुकी है, कुछ कुछ बच गए हैं क्योंकि उनका ईमेल आईडी रॉन्ग था इसलिए उनको व्हाट्सएप पे आएगी लिस्ट। ठीक है, जो बात के जिन्होंने बाद में रजिस्टर किया 24, 25, 26, 27 सितंबर या उसके बाद, आपको लिस्ट आएगी। ठीक है, आपके लिस्ट अभी से हम सेंड करना स्टार्ट करें, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन आपके कैप राउंड से पहले पहले आपको मिल जाएगी, और अभी से जो रजिस्टर करेंगे उनको आपको कैप राउंड के दिन के पहले दिन तक आपको लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, कैप राउंड के दिन के पहले दिन तक आपको लिस्ट मिलेगी जो अभी रजिस्टर करेंगे तो। ठीक है, क्योंकि प्रोसेस करने को टाइम लगता है, क्योंकि क्यून में बहुत सारा लिस्ट अभी भी आ चुकी है, बहुत सारा बच्चों की लिस्ट बनानी है। ठीक है, और कॉलेज लिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जिससे आपको बहुत सतर्क होकर बनानी है कॉलेज लिस्ट। ठीक है, क्योंकि वो आपका कॉलेज डिसाइड करता है, आपको एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना है। ठीक है, अभी जो गलतियां हो गई पीछे वो आपको अभी से नहीं दोहरानी। बैक टू द पॉइंट आते हैं, एमएसटी सीटी के परसेंटाइल वर्सेस रैंक की अगर बात करूं मैं। ठीक है, देखो यार, एक ऐसा कोई बता नहीं सकता आपको कि 99.6 परसेंटाइल पे 1034 रैंक आएगी, ऐसा कोई नहीं बताएगा। एक ब्रॉड रेंज बता सकते हैं क्योंकि हर साल वैरी होता रहता है, एक कॉमन पार्ट निकाला है कि कॉमन, हाँ यार ये चीज हो सकती है। ठीक है, रेपुटेड वेबसाइट से भी डाटा उठाया है। ओके, करियर 360, कॉलेज दुनिया, ये सारे रेपुटेड वेबसाइट है, वहां से डेटा कलेक्ट किया जाता है क्योंकि उनके पास डेटा सेट बहुत बड़ा होता है। ठीक है, ठीक है, तो आपके अगर मैं परसेंटाइल वर्सेस रैंक की बात करूं, एक ब्रॉड रेंज देना चाहता हूं मैं, अगर आपके 180 प्लस मार्क्स है, ठीक है, ऑफकोर्स आपकी परसेंटाइल ज्यादा होगी उस पर, अगर मैं परसेंटाइल की बात करूं 91 से लेकर 100 तक है, ब्रॉड रेंज लेके चल रहा हूं मैं, अगर 91 से लेकर 100 है तो आपकी रैंक आएगी 1 से लेकर 19,000 तक आपकी रैंक आएगी अगर आपके 91-100 परसेंटाइल तक मार्क्स परसेंटाइल है तो। ठीक है, अगर आपके 90 से लेकर 81 तक परसेंटाइल है, ठीक है, 90 से लेकर 81 तक अगर परसेंटाइल है तो आपके 19,000 से लेकर 30,000 तक रैंक आएगी। ठीक है, ऑफकोर्स जिसके 90 है उसकी 90,000 के आसपास आएगी, और उसके 81 परसेंटाइल है उसकी 30,000 के आसपास रैंक आएगी, जिनके 80-71 परसेंटाइल है उनकी रैंक आएगी 30,000 से लेकर 40,000 तक। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग दिस आर द टेंटेटिव रैंक्स, बट लास्ट 4-5 सालों से काउंसलिंग कर रहा हूं यार, लास्ट 4-5 सालों से एमएसटी सिटी के फील्ड में काम कर रहा हूं, 3 सालों से यूट्यूब पे आया। ठीक है, इतना तो पता लग गया जो प्रेडिक्शन होता है वो ऑलमोस्ट सही होता है क्योंकि बहुत कुछ चेंजेस नहीं होते लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। 70 से लेकर 61 तक अगर आपके मार्क परसेंटाइल है तो आपकी रैंक आएगी 40,000 से लेकर 47,000 तक। रैंक क्यों बता रहा हूं, इसका मोटो भी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा रुक जाओ वीडियो में। ठीक है, 51 से लेकर अगर 60 तक आपकी रैंक है तो आपकी 47,000 से लेकर 53 तक रैंक आएगी अगर आपके परसेंटाइल 51 से लेकर 60 तक है तो। अगर आपके परसेंटाइल 41 से लेकर 50 तक है तो आपकी रैंक आएगी 53 से लेकर 59,000 तक। अगर आपके परसेंटाइल 31 से लेकर 40 तक है तो आपकी रैंक आएगी 59,000 से लेकर 64,000 तक। अगर आपके परसेंटाइल 21 से लेकर 30 तक है तो आपकी रैंक आएगी 64,000 से लेकर 73,000 तक। और अगर आपके परसेंटाइल बहुत ही कम है 11 से लेकर 20 तक है तो आपकी रैंक आएगी 70,000 से लेकर 1,00,000 तक। ठीक है, टेंटेटिव रैंक्स बताए। अभी आप बोलोगे भैया इसमें तो फिर मतलब 2.5 लाख बच्चे बैठते हैं, उनकी रैंक कहां पे गई? ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके 10 परसेंटाइल के अराउंड भी होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ परफॉर्म ही नहीं किया होता पेपर में। सो
ऐसा कंसिडर कर सकते हो 1 लाख या 1,20,000 बच्चे ही ऐसे होते जिनके 30+ परसेंटाइल होते, ठीक है, जिनके 30+ परसेंटाइल होते। तो डिफर तो बहुत चीजें करती यार। आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी, ठीक है, कि कैसे आपका वैरी करने वाला है ये प्रीवियस ईयर का और प्रीवियस ईयर का, मतलब 2 ईयर का कॉमन उठा के मैंने आपको यहाँ पे बोला है, ठीक है, चीजें समझ में आ रही है। किसी भी चीज से रिलेटेड डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना। अभी मैं आपको बोल देना चाहता हूँ कि रैंक का क्या यूज है। आपका जो कॉलेज होता है वो डिसाइड होता है आपकी रैंक से, जो आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी, जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी उस पे आपको रैंक पे आपका कॉलेज डिसाइड होगा। तो अगर आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बारे में डिटेल में जानना है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट या फाइनल मेरिट लिस्ट, उसके बारे में डिटेल में वीडियो आएगा नेक्स्ट वीडियो में, प्रॉमिस करता हूं उसके ऊपर मैं 10 मिनट का वीडियो बना के सब चीजें मैं समझा दूंगा आपको। सिर्फ आपको कमेंट सेक्शन में पिंग करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना अगर नहीं हुए हो तो, क्योंकि वहां पे अपडेट्स वगैरह शेयर करता रहता हूं मैं, ठीक है। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी आप बाय, टेक केयर, थैंक यू।